अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हायर एजुकेशन के डाटा स्ट्रक्चर सीरीज के अंदर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है क्यू डाटा स्ट्रक्चर। जिसका मैंने आपसे लास्ट टाइम पे स्टैक के हवाले से बात करते हुए आपसे कहा कि मेनली दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक लीफो है और एक आपके पास फीफो। लीफो के लिए इम्प्लीमेंटेशन स्टैक की सूरत में हम लास्ट टाइम पे देख चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप बात करें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्यू का इस्तेमाल कहाँ पे आता है, मैसेजिंग क्यूइंग के लिए। मैसेज जब आप सेंड करते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, आप क्यूरिंग टाइम शेयरिंग के लिए आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कि किस तरह से कौन सी प्रोसेस आपका पहले डन होगा, कितने रिसोर्सेज उसको एलिमिनेट होंगे। प्रिंटर के अंदर जब आप सेंड कर रहे होते हैं, दैट वॉज अ क्यू, आपका पहला प्रिंट कौन सा निकलेगा, फिर दूसरा कब निकलेगा, दैट वॉज ऑल क्यू। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस अबाउट क्यू। अब सबसे पहले हम बात करें कि क्यू है क्या चीज। अ क्यू इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जिस तरह से आपकी ये स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, सिमिलरली क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और कलेक्शन इन विच द एंटिटीज इन द कलेक्शन आर केप्ट इन ऑर्डर and the only operation on the collection are the addition of the entities to the rear terminal position. ab rear aur terminal ko samajh le, do tarah ke hamare paas hote hain, last time ki humne baat ki thi stack ke hawale se, to stack ke andar humne ye dekha tha ki uske andar stack ke andar ek sabse important baat thi कि उसके अंदर एक पॉइंटर था, जिसको हमने क्या कहा था, स्टैक पॉइंटर। ये जो स्टैक पॉइंटर था, यही आपका ऊपर नीचे होता था बेसिकली, कि एडिशन हुई है या डिलीशन हुई है। ये एडिशन होती थी तो टॉप प्लस प्लस हो जाता था, प्लस प्लस टॉप हो जाता सॉरी, और अगर डिलीशन होती थी तो टॉप माइनस माइनस हो जाता था, यानी ये फर्क था। लेकिन क्यू के अंदर एक एंड नहीं होता, क्यू के अंदर बेसिकली टू एंड होते हैं, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। एक को हम रियर कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी होती है, एक को हम फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो पॉइंटर चाहिए, एक पॉइंटर का नाम हमने रियर रखा हुआ है, एक का हमने अपना पॉइंटर का नाम फ्रंट रखा हुआ है। अगर हम जाके आपसे क्यू के इमेजेस की बात करें, जब तक ये मैसेज आता है हम इसको देखते हैं, जब तक ये लेके आता है। कॉल्ड एन क्यू टर्मिनल, रियर टर्मिनल पोजीशन कॉल्ड एन क्यू, एंड रिमूवल ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द फ्रंट टर्मिनल पोजीशन। दो टर्मिनल बना दिए, एक रियर टर्मिनल बना दिया। टर्मिनल मतलब, टर्मिनल किसे कहते हैं, द पोजीशन वेयर यू कैन प्लेस समथिंग या टेक आउट ऑफ। अगर आप बात करें तो हवाई जहाज में भी आप सवार होने लगे तो वो कहते हैं कि टर्मिनल में आ जाए, ड्राई पोर्ट टर्मिनल, वेरी जहाज से टर्मिनल, वो जहां से आप एक जगह से निकल के आप एक और स्टेट में चले जाते हैं, दैट वाज नोन एज टर्मिनल। कॉल्ड अच्छा पोजीशन कॉल्ड एज अ डी क्यू, पहले वाली जहां से एंटर होती है उसको कहते हैं एन क्यू, और जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं, डी क्यू। द क्यू इज कॉल्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। इन अ फीफो डेटा स्ट्रक्चर द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू will be the first one to be removed. FIFO की सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला एलिमेंट जो आप एड करेंगे वो पहला एलिमेंट होगा जो कि आउट होगा। This is equivalent to the requirement that once a new element is added, all elements that were added before had to be removed before the new element can be removed. Often a peak or front operation is also entered, returning the value of the front element without dequeuing it. A sequence at the queue is example of a linear data structure, or more abstractly a sequential collection. जब आपसे कहा जाए कि linear data structure आपने बनाना है, so then you will use queue. अगर आपसे ये कहा जाए कि sequential collection of elements आपने बनाना है, so then you will use the queue.
अब ये देखें, ये एक इसी तरह से आपके सामने आ रहा है, ये टर्मिनल है, वी आर गोइंग फॉर द इमेजेस ऑफ द क्यूब। तो ये जो मैं आपको बता रहा था फ्रंट और रियर की, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, फ्रंट एंड रियर, इसके ऊपर हमारे पास स्टेप्स के अंदर से निकल रहे हैं। अब इसकी हम डिटेल में चलते हैं। सो नेट हमारा चल पड़ा, देखते हैं। अब आप देखें क्यू को देखें, तो जब भी आपने देखना है तो एक एलिमेंट जो है वो आपकी बैक से एंटर हो रहा है, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, और एक आपका फ्रंट है। जबकि आप ये जो तस्वीर है, ये पुश एंड पॉल वाली, ये आपकी स्टैक की लाइन है, एक ही जगह से एंट्री हो रही है और एक ही जगह से एग्जिट हो रही है। पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टैक। तो आपने इसी तरह से कुछ ड्रॉ करके डिजाइन बना के मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से अगर आप क्यू के हवाले से बात करें तो एक पोर्शन इसका इंसर्ट के लिए होता है, एक उसका डिलीट के लिए होता है। आप इसी तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर को एक यहाँ पे वो जो लफ्ज मैं आपसे बात कर रहा था डिफरेंस करने के लिए, कि स्टैक पॉइंटर होता है, एक ही पॉइंटर होता है इन स्टैक के अंदर, जबकि क्यू के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं, एक आपका फ्रंट कहलाता है और एक आपका रियर क्लास। सो लीनियर क्यू के अंदर ये हमारी, और क्यू की एग्जांपल आपको दिखाई गई, जिस तरह ये गेम्स बनती हैं, आप एक लाइन में लगे होते हैं, ये वो होती नहीं है जिसको वो क्या कहते हैं, रोलर कोस्टर्स, देन इट विल बी अ क्यू, देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट। सो आपको समझाने के लिए कि ये सारा क्या था, स्टैक की बात कर चुके हैं हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्यू इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मैंने भी बात की है। क्यू प्रोवाइड सर्विसेज इन कंप्यूटर साइंस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जहां पे भी आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे, नेटवर्क की बात करेंगे, आप बात करेंगे कि जी TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या है, सब के अंदर जो बेसिक आइडियोलॉजी और डेटा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा होता है वो होता है क्यू। एंड ऑपरेशन रिसर्च where various entities such as data, object, person or events are stored are held to be processed later. In these contexts, the queue perform the function of a buffer. जैसे ये buffering बन रही है, that was also a queue. आप YouTube देखते हैं तो buffering बन रही है, that was implemented with the help of a queue. ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता सुपर डाटा कहीं और से पहुंच जाए तो वो मूवी नहीं चल सकती। मूवी एक सीक्वेंस में ही चलनी है, एक बफरिंग में ही चलनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ सीन पहले देख लिए, कुछ बाद में देख लिए, फिर आपका दिमाग खुद ही उनको जोड़ के इंटरप्रेट करता रहे कि कौन सा डाटा है कौन सा नहीं। क्यू ऑपरेशन एड एन एलिमेंट ऑन टू द एंड ऑफ द क्यू, जिसको हम एन क्यू कहते हैं, फ्रंट, रिटर्न द आइटम एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, एंड डी क्यू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रंट ऑफ द क्यू। ओवरफ्लो स्टेट, अब इसके अंदर दो चीजें आएंगी, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। इसमें भी हमारे पास स्टैक के अंदर क्या फुल हो गया है, स्टैक इज फुल, और दूसरा था स्टैक इज एम्प्टी। इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात समझाने के लिए, अगर आपने दो रास्ते खोले हुए हैं तो आप ये थोड़ी बता सकते हैं कि इसका साइज फिक्स था। एक कतार का आप कभी भी नहीं बता सकते कि कतार में कुल कितने लोग आएंगे, क्यों कि आपने एक फ्रंट पे रखा हुआ है और एक आपने लास्ट पे पॉइंटर रखा है, वो दोनों अपनी अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं। अगर आपने उनको स्ट्रिक्ट कर दिया, अगर आपने कहा जी फ्रंट एंड से बस इतने ही हो सकते हैं, आपको साइज अगर फिक्स करना है तो आपको एक जगह पे क्लोज करना होगा। अगर आपने उसको क्लोज किया तो वो स्टैक बन जाएगा, तो इसलिए साइज इसके अंदर नहीं आ सकता। हाँ, ये हो सकता है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। आ जाए जी इसका प्रोग्राम हम देखते हैं जी। सबसे पहले इसको मैं समझा दूं, पहले एक प्रोग्राम देखें आप। इस प्रोग्राम का ऑपरेशन है क्यू की सूरत में, प्राइवेट इंटीजर कैपेसिटी, हमने एक कैपेसिटी बनाई है इंटीजर क्यू अरे, जाहिर है कि हम जिस तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक को, वहां से भी हम अरे के थ्रू कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के थ्रू। तो सिमिलरली क्यू इज आल्सो देयर। अब हमें वहां पे हमने एक पॉइंटर बनाया था, याद है आपको, हमने बनाया था स्टैक पॉइंटर के नाम।
यहाँ पे हमें दो पॉइंटर बनाने, एक हमने नाम रखा है फ्रंट के तौर पे और एक हमने नाम रखा है रियर के तौर पे। अब यहाँ पे लॉजिक को समझे, अगर मैंने आप गौर करें तो यहाँ पे एक को मैंने 0 दिया और एक को मैंने -1 दिया। अगर मैं दोनों दोनों को 0 0 दूंगा, मैंने दोनों दोनों को 0 क्यों नहीं दिया? उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, देखिए एक ही पोजीशन पे दोनों खड़े नहीं हो सकते। एक का मतलब है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इस पोजीशन पे होगा, एक -1 पे होगा, एक 0 पे होगा। अगर 0 पे होगा तो फिर वो -1 पे होगा, 1 पे होगा तो अगला पॉइंटर आपका 2 पे होगा। पोजीशन आपने उसको मैयर करनी है। शुरू में यहाँ पे एक ही पोजीशन पे रखेंगे, जैसे लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि कुछ नहीं है, क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो देयर इज नथिंग, एक शख्स ऐड हो गया तो एक तो वो मौजूद है उसकी पोजीशन। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो कहाँ पे खड़ा होगा? एक के ऊपर ही खड़ा होगा या दूसरी पोजीशन पे जाएगा? ऑब्वियसली ही वाज स्टैंडिंग ऑन द सेकंड पोजीशन। अब तीसरा आ गया है तो वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा होगा? तीसरी पोजीशन में। तो पहला वाला कहाँ पे खड़ा? पहली वाली पोजीशन। तो यही आपका एक एलिमेंट आप करते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साहब है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर खाबर आया सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे फॉर एग्जाम्पल समथिंग है। तो लेकिन साथ की पोजीशन तो वन ही रहेगी ना जब तक कि मैं उसको रिमूव नहीं करूंगा। अब अगर मैंने यहां से डिलीट कर दिया तो अब खावर की पोजीशन वन हो जाएगी। इसलिए इंटीजर करंट साइज पब्लिक क्यू इंप्लीमेंटेशन इंटीजर क्यू साइज दिस डॉट कैपेसिटी। अब इसको हम करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ में कर लें। मैं एक क्लिप्स ओपन कर लेता हूं, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जी, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट क्यू प्रोग्राम। क्यू प्रोजेक्ट के अंदर पे आप एक न्यू क्लास बनाएं, नेम है इसका और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम क्यू इम्प्लीमेंटेशन रख रहा हूँ, इसलिए मेरी क्लास का नाम पब्लिक क्लास क्यू इम्प्लीमेंटेशन होना है। यू विल ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपने कौन सी क्लास ले रहे हैं। ओके जी, अब सबसे पहले हम क्यू इम्प्लीमेंटेशन की जो क्लास है उसके अंदर हमने प्राइवेट इंटीजर एक वेरिएबल बनाना है कैपेसिटी के लिए। मैंने आपसे पहले दिन से बात कर रहा हूँ सेट स्पेसिफाइड के वाले से, तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और इंटरनल की चार किस्म के हमारे पास होते हैं। हम अपने डेटा को कभी भी पब्लिक नहीं करते ताकि वो कहीं भी चेंज ना कर सके, बल्कि उनको हमेशा प्राइवेट रखा जाता। इसी तरीके से पब्लिक स्टैटिक वाइड में मेरा क्यों आ रहा जी? अरे प्रोग्राम वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स इंटीजर
जी इंटीजर क्यू और ए इंटीजर फ्रंट इज इक्वल, इसको मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी, इंटीजर रियर इज इक्वल टू माइनस वन, यही बनाया था हमने कि फ्रंट को हमने दिया था फ्रंट जीरो रियर इज इक्वल टू माइनस वन, इंटीजर फ्रंट साइज इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियली हमारे पास रियर जो है माइनस वन पे होगा, फ्रंट हमारा जीरो पे होगा, फ्रंट साइज अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स पे देखें डायरेक्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है तो कुल कितने हैं, तो दैट वाज दैट फंक्शन वाज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ क्यू, नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर है वो कितनी इमेजेस आ रही हैं कितने नहीं आ रहे हैं, दैट वाज ऑल इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से मूवमेंट करते हैं आप आते हैं तो एक और एलिमेंट आ गया, देन इट विल बी ऑन अ क्यू कि कौन सा एलिमेंट है वो कितने पेजेस पे जा रहा है, ऑल ईच इंफॉर्मेशन ये जो आ रही है वन और थ्री टू थ्री लिंक्स करके, ये कौन सी कंट्री है कौन सी जगह है वो उसके हवाले से इंफॉर्मेशन, अब ये से चार हो गए एक और अभी किसने ज्वाइन किया, तो ये देखें मैं आपसे बात कर रहा था नेटवर्क इंफॉर्मेशन के हवाले से, पहले हमने लेक्चर में किसी और तरीके से देख रहे थे आप इसको क्यू पे डाटा स्ट्रक्चर देखते, अब ये देखिए ये वन टू थ्री ये इंप्लीमेंट होता जाएगा, कौन कौन से पेजेस हैं किस किस पेज पे लोग बने काम कर रहे हैं किस पर लोग कोर्स में आए हैं कौन कौन से पेजेस पे हैं, देन इट विल बी शोर कि दो लोग हैं इस पर वो कोई क्विज देना चाह रहा है कोई कुछ देना चाह रहा है, तो देन वेबसाइट के हवाले से हमें वी हैव एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूजर से मुराद वो होता है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उस वक्त वो इसकी वर्किंग कर रहा है आगे पीछे मूव कर रहा है, ये चीज इवन तक डिटेक्ट जो होती है दैट वाज अ क्यू, अब जैसे जैसे मैं एंटर होते जाएंगे वो इसको क्यू बनाता जाएगा। अब नेक्स्ट हमने जी सबसे पहले क्यू इम्प्लीमेंटेशन का जिस नाम से आपने अपना बनाया है पब्लिक जिस नाम से आपने क्लास बनाई है उसी का आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, मैंने बनाई हुई है क्यू यू ई यू इम्प्लीमेंटेशन, यहां पे आप उसका फंक्शन ये मैंने क्यू यू पब्लिक क्यू इम्प्लीमेंटेशन और हमने इसका नाम देना इंटीजर क्यू साइज, लेट्स सपोज ये मैंने इसका एक कंस्ट्रक्टर जो है वो इसको पास कर दिया, इसलिए दे रहा है कि ये आई वन अच्छा जी। नेक्स्ट हमने क्या परफॉर्म करना है, दिस डॉट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू साइज, ओहो हमारे से मिस्टेक यही हो रही थी मैंने गौर नहीं किया, ये सारा आपने पब्लिक स्टैटिक वाइड क्लास के अंदर लिखना है यहाँ पे, इसीलिए वो प्राइवेट इंटीजर कैपेसिटी के ऊपर हमें जोर दे रहा था कि इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपने फंक्शन के अंदर नहीं लिखना था बल्कि आपने क्लास के अंदर ये चीजों को डिफाइन, क्यू इम्प्लीमेंटेशन इंटीजर क्यू साइज एंड नेक्स्ट हमारे पास है जी दिस डॉट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू साइज, अब दिस का फंक्शन वर्क करेगा, ये पहले नहीं कर रहा था इसकी वजह यही थी कि हम उस तक क्यू साइज हमने कहा जी कि जो भी हमें क्यू साइज दिया जाएगा हमने वो उस क्यू साइज के मुताबिक बनाना। नेक्स्ट है क्यू अरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर इंटीजर और इसमें मेरे ख्याल में क्यू यू ई यू साइज दे देंगे ये सॉरी दिस डॉट कैपेसिटी वो भी दे सकते हैं हम क्यू साइज भी दे सकते हैं, दोनों
वैलिड है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं इसलिए वी आर गोइंग फॉर दिस। नेक्स्ट मरहला हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एट द, अब उसके अंदर हमने फंक्शन बनाने हैं, वो है ऐड करना, ऐड एन एलिमेंट, उसके लिए हमने एक एन क्यूब बनाया है और एक हमने डी क्यूब बनाया है, एक फंक्शन बनाएगा। एन क्यूब का मतलब है कि आपने ऐड करना है और डी क्यूब का मतलब है आपने उसमें डिलीट करना है। अब एन क्यूब को आप बना रहे हैं, आप सबसे पहले आपने देखना है कि क्या इक्वल क्यू फुल तो नहीं है। इफ इज क्यू फुल सिस्टम डॉट आउट ओवरफ्लो अनएबल टू ऐड एलिमेंट। आपको याद होगा कल मैंने थ्रो एक्सेप्शन किया था, ट्राई कैच किया था, याद हो आपको, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं। पब्लिक वाइड एन क्यू, ये फंक्शन को मैं लेके आ रहा हूं, अब इसको देख लें। अब यहां पे दो एरर आ रहे हैं, एक तो एरर है हमारा क्यू यू ई यू अरे का, ये मैंने दूर किया क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम था, और इज क्यू फुल इसका एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है, वो फंक्शन लेके आ जाते हैं। इज क्यू फुल, ये इज क्यू फुल का फंक्शन है जिसका काम ये मालूम करना है कि कहीं आपकी कैपेसिटी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है कि नहीं। ये ले, अब इसको समझ ले, आपका कंट्रोल यहाँ से इसके ऊपर आ जाएगा, डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फंक्शन कॉल हो गया ना इस क्यूब फुल का, यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब ये कि यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स है, तभी इफ चलेगा ना। इफ का तो कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि ट्रू है तो वो पार्ट रन कर देगा, एल्स है तो वो नहीं करेगा। अब यहाँ पर चेकिंग होगी, अब यहाँ पर रिटर्न स्टेटस में क्या आएगा, इफ क्यू में आएगा, अगर वो ट्रू होता है स्टेटस नजर आता है तो देन ये वाली स्टेटमेंट जो है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स में क्या होगा, अब आते हैं इसी चीज को समझने के लिए। ये रियल है, हमने दो चीजें बात की कि फ्रंट एंड चाहिए और हमें एक रियल चाहिए। अब अगर ये खाली है तो कोई मसला ही नहीं है, एक नया एलिमेंट आया, फॉर एग्जाम्पल नहीं जो था वो लाइन में लगने के लिए आया, तो यहाँ पे शुरू में मेरे पास रियल जो था मेरे ऊपर आपके सामने डिफाइन किया वो है माइनस नाइन, और मेरा फ्रंट जो था वो जीरो था। तो अब मैंने क्या किया कि पहले रियल में मैंने प्लस कर दिया एंड देन उसके बाद किया, यानी वैल्यू रखने के बाद इंक्रीमेंट किया। तो अब कंडीशन क्या होगी, नहीं यहाँ पे आया, वन ऐड हुआ, प्लेस हो गया, तो रियल में माइनस वन में से कितना हो गया, जब प्लस वन करूंगा तो इट विल बी अ जीरो। दूसरा काम मैंने क्या किया कि इफ रियल इज इक्वल इक्वल टू कैपेसिटी माइनस वन, रियल विल बी इक्वल टू क्यू अरे इज इक्वल टू आइटम, और फिर करंट साइज आपने चेंज कर दिया प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट प्लस आइटम इज पुश टू द क्यू। आपका देखेंगे जीरो हो जाएगा, फिर अगला एक एंड तो आपका वैसे ही रहना ना, फ्रंट की तो अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फ्रंट जो होगा वही आपका करंट साइज बन जाएगा अगर आपका एक एलिमेंट। अगला आपका रियर है तो रियर को बढ़ाते जाए, क्यू का तसव्वुर कर लें क्या बढ़ेगा, फ्रंट बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, दोनों अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब यह कि आप टिकट लेने के लिए गए थे, आप एक लाइन में खड़े हुए हैं और अब आपकी ये सूरत दी जा रही है कि कुछ लोग आपके फ्रंट पे भी आते जा रहे हैं ऐड करने लगे और कुछ लोग आपके बैक पे भी लाइन में लगते जा रहे हैं, तो वो बन के उतर रहे हैं, यानी दोनों तरह की एंट्री हो गई, जबकि क्यू का कंसेप्ट है कि पहला एलिमेंट आके खड़ा हो गया, अब इजाफा जो होगा वो उसके बैक साइड पे रियर के अंदर इजाफा होता जाएगा, वो पहला जब तक नहीं निकलेगा वो अपनी पोजीशन पे खड़ा रहेगा।
तो हमने यही किया, हमने करंट साइज को बढ़ाते गए और रियर की पोजीशन को तब्दील करते गए। इसी तरह से अब हम डिलीट की बात करेंगे, डी क्यू की। ये एक फंक्शन बना रहे हैं हम डी क्यू का, और इसमें भी हमें एक फंक्शन और हमें चाहिए, इज क्यू एम्प्टी। इज क्यू एम्प्टी भी सिर्फ ये चेक करेगा कि आपकी वैल्यू वहां पे है क्या। इफ बुलियन स्टेटस इज इक्वल टू, शुरू में हमने फॉल्स रखा, इफ करंट साइज इज इक्वल टू इक्वल जीरो, स्टेटस इज इक्वल टू टू। शुरू में हमने फॉल्स इसलिए रखा क्योंकि वैल्यू कोई नहीं, अगर उसकी वैल्यू इक्वल इक्वल टू जीरो हो जाएगी तो वो स्टेटस को ट्रू कर। और क्यू यू ई यू, यहाँ पे एक एरर आएगा अरे का और एक एरर यहाँ पे स्पेलिंग का, यहाँ पे अरे का। ये मेरा फंक्शन हो गया। आप इसको देखें, अगर वो एम्प्टी है तो वो मैसेज आ जाएगा कि कोई एलिमेंट नहीं है, अनेबल टू रिमूव एलिमेंट, खाली जगह में से आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मैसेज दे देगा। एल्स फ्रंट क्या होगा, प्लस प्लस, क्योंकि आप देखें ना, अगर मेरा फ्रंट के ऊपर पड़ा हुआ था एक एलिमेंट तो मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। अब मेरा फ्रंट क्या होगा, अगर लेट्स सपोज ये एक क्यूब बना रहा हूँ, यहाँ से सात था, ये नाइन था, अक्सा सना, ये फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स थे। अब आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट ऐड हो रहे थे तो इसका फ्रंट तो जीरो पे ही खड़ा था, फ्रंट तो साथ तो छेड़छाड़ हमने की ही नहीं, रियल किस पे चला गया, 0, 1, 2, 3, फॉर एग्जाम्पल 0, 3 पे चला गया। अब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, अगर मैं इस पोजीशन को यहाँ से हटा के 1 दे दूंगा सार की पोजीशन पे, तो ये तो अपने आप आउट हो गया, क्योंकि सारा डाटा तो इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होनी है ना, सिर्फ पॉइंटर की वजह से ही वो फर्क पड़ जाएगा। तो इस जब मैंने इसको पॉइंट कर दिया तो अब मैं जब मेरा प्रोग्राम रीड करेगा तो वो नई इसको नहीं रीड करेगा, वो अपनी पोजीशन रखेगा 7 के ऊपर, एंड देन रीड टू दैट पोजीशन 1, 2, 3। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करते हैं जी। अब हम अपने मेन फंक्शन पे आ जाएं और हम इसके अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट वाज क्यू इंप्लीमेंटेशन, जो हमने इस नाम से बनाया, ये शुरू में क्यू इम्प्लीमेंटेशन। क्यू यू इज इक्वल टू न्यू क्यू इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास 7 की मैंने क्यू बनानी। अब यहां पे फंक्शन है क्यू यू डॉट एन क्यू, इसमें मैंने एक एलिमेंट डाला qu.nq, फंक्शन बनाया हुआ है मैंने 236.nq, आपने देखा कि मैंने जैसे ही उसमें स्ट्रिंग रहने की कोशिश की है मुझे उसने बता दिया कि ये अलग है। क्या ये मैं ऐसे कर सकता था, क्योंकि मैंने जो ऊपर अरे डिफाइन की थी वो इंटीजर की डिफाइन की हुई थी, इसलिए एरर आ रहा है। इसलिए नहीं एरर आ रहा कि मैं क्यू में प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइप के अगेंस्ट है। स्ट्रिंग की भी आप बना सकते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एलिमेंट्स, मैंने एन क्यू किया इनको, अब इसको रन करके देख देते हैं। Element 365 is pushed to queue. The queue implementation program 25 is pushed to queue. 789 is pushed to queue. Element 236 is pushed to queue. अब हम अगर DQ का function इस्तेमाल करते हैं, use the DQ to remove the element
फ्रॉम द क्यू। अच्छा आप गैस करें कि कौन सा एलिमेंट आप यहां से निकलेगा, क्यू यू डॉट डी क्यू। अब उसमें कोई वैल्यू हमसे लेगा नहीं क्योंकि हमने तो उसको वैल्यू थोड़ी देनी है। अब आप देखेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, 365, क्योंकि पहला एलिमेंट 365 दैट वाज रिमूव्ड। अब नेक्स्ट एलिमेंट आपने करना है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्यू यू डॉट एन क्यू कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं ये एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, और फिर मैंने क्यू यू डॉट डी आप मुझे बताएंगे कि लास्ट एलिमेंट 25 निकलेगा। उससे कोई फर्क नहीं, उसे पढ़ रहा कि क्यू के अंदर पीछे से कितने लोग हैं, उसने निकालना है तो उसने फ्रंट वाले के ऊपर से निकाल। दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।